हेलो फ्रेंड्स, मैं आरिफ शेख। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बॉस कंपनी की एक आयरन कटर मशीन है। आज हम वो टेक्निक सीखेंगे जिससे इस मशीन को बगैर खोले आसानी से पता लगाया जा सकता है कि फॉल्ट मशीन के किस हिस्से में है। दोस्तों, ये एक एसी सीरीज मोटर है। इसे सीरीज मोटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, पावर केबल और पावर स्विच ये सभी एसी सप्लाई के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। फॉल्ट जानने की प्रोसेस में हम सबसे पहले पावर स्विच को लॉक कर देते हैं, फिर हम पावर केबल के दोनों सिरों पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करते हैं। मशीन की सही होने की हालत में हमें इन दोनों सिरों पर कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। जो कि नहीं मिल रही है। अब हम कार्बन ब्रश हाउसिंग की कैप खोल लेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। ब्रश बदलते समय हम इसे अक्सर खोलते हैं। उसके बाद ब्रश के फील्ड वाइंडिंग से जो कनेक्शन है उसे हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से दोनों फील्ड वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। दोनों ठीक हैं। इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग के साथ साथ पावर केबल और पावर स्विच ये दोनों भी सही हालत में हैं। अब हम मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप्स को ब्रशेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब चूंकि ब्रशेस आर्मेचर के कम्यूटेटर से 180 डिग्री पर कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह हम आर्मेचर को बिना खोले 180 डिग्री पर रेजिस्टेंस टेस्ट कर उसके शॉर्ट होने और ओपन होने का पता लगा सकते हैं। फिर हम मशीन में लगी कटिंग ब्लेड को हाथ से धीरे धीरे एक तरफ घुमाते हैं और मल्टीमीटर की रीडिंग पर ध्यान रखते हैं। रीडिंग कितनी आ रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्मेचर घुमाते वक्त वो रीडिंग लगभग एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ वो रीडिंग 3 ओम आ रही है और कहीं कहीं कोई रीडिंग नहीं है। इसका मतलब आर्मेचर वाइंडिंग ओपन हो गई है। अब हम आर्मेचर को खोलकर बाहर निकालेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि वाकई में आर्मेचर की वाइंडिंग ओपन हो गई है या नहीं।
यहाँ आर्मेचर में साफ देखा जा सकता है कि उसकी वाइंडिंग के कई वायर टूटे हुए हैं और उसके सिरे अलग से बाहर दिखाई दे रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग को भी चेक करके वेरीफाई करेंगे कि वो ठीक है या नहीं। फील्ड वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। कार्बन ब्रशेस एकदम नए लगाए गए हैं और कम्यूटेटर की सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ है। इसका मतलब कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर बिल्कुल ठीक कनेक्शन बना रहे थे। इस फैक्ट से यह साबित होता है कि आर्मेचर की वाइंडिंग ओपन होने की वजह से ही मल्टीमीटर में रीडिंग शो नहीं हो रही थी और वो डिसकंटिन्यू बता रहा था, मतलब मशीन को बगैर खोले फॉल्ट लोकेट करने की हमारी तकनीक बिल्कुल कारगर साबित हुई है। आयरन कटर मशीन को रिपेयर करते वक्त आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर फॉल्ट को पहले ही लोकेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाले और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।